हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बाइजर आर्ट के। आज की वीडियो फ्रेंड गेम प्ले वीडियो है और आज की वीडियो फ्रेंड हम गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें फ्रेंड आप पबजी मीडियम सेटिंग तक बहुत ही आराम से खेल सकेंगे। साथ ही साथ GTA 5, काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंस हो गया, तो यहाँ पे फ्रेंड ये बेसिक गेम होते हैं हमारे, जितने भी गेम होते हैं बहुत ही आराम से प्ले हो सकेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने कौन सा GPU यूज किया हुआ है देखेंगे हम इस वीडियो पे। तो यदि फ्रेंड आप इस बिल्ड को देखना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में फ्रेंड यहाँ पे हमने चॉइस किया हुआ है AMD का Ryzen 3 2200G विथ रेडियोन वेगा 8 ग्राफिक्स। यहाँ पे फ्रेंड हमें CPU में इनबिल्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिल जाते हैं, जो कि एक डेडिकेटेड GPU को टक्कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्स की। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 4 कोर, 4 थ्रेड और यहाँ पे फ्रेंड हमें 8 GPU कोर्स देखने मिलते हैं। बेस क्लॉक की बात करें तो 3.5 GHz की यहाँ पे हमें बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है और बूस्ट मैक्सिमम पे ये 3.7 GHz तक चला जाता है। L1 कैसे 384 KB, L2 कैसे 2 MB और L3 कैसे यहाँ पे हमें 4 MB का देखने मिल जाता है। अनलॉक प्रोसेसर है और फ्रेंड मेन चीज यहाँ पे आती है ओवरक्लॉकिंग। यहाँ पे फ्रेंड ये अनलॉक प्रोसेसर है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 14 नैनोमीटर फिनफिट टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है फ्रेंड यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड सिस्टम मेमोरी स्पेसिफिकेशन की बात करें 2993 MHz को ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम रैम भी अच्छी लेंगे 3000 MHz यहाँ पे 3200 की, जिसमें फ्रेंड यहाँ पे हमें रन टाइम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिले। सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें AM4 सॉकेट मिलता है और फ्रेंड बजट गेमिंग पे ये बेस्ट प्रोसेसर है। यहाँ पे फ्रेंड बेसिक लेवल, यदि आपका बजट 30,000, 25,000 या फिर 20,000 है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि Ryzen 3 2200G, जो कि एक बेस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड हमें इंटीग्रेटेड GPU भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देता हमें बेसिक लेवल गेमिंग पे। यहाँ पे फ्रेंड पबजी, काउंटर स्ट्राइक, GTA 5 जैसे गेमों में यहाँ पे हमें बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। यदि इंटेल के कंपैरिजन में करें तो यहाँ पे फ्रेंड यदि हमें Core 2 Duo + 730 का GPU यूज करेंगे तब हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। और यहाँ पे हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस पे देखने मिल जाती है। इसके हम MRP की बात करें तो यहाँ पे 12,000 की MRP है, लेकिन यहाँ पे Amazon पे हमें यहाँ 8,388 रुपए का देखने मिल जाता है। और यदि फ्रेंड आप MD कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 7,750 रुपए करीब पे देखने मिल जाता है। ऑफलाइन मार्केट पे आपको ये 500-300 रुपए और कम मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड अगला कंपोनेंट आता है, वो आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में यहाँ पे फ्रेंड हमने ASRock का A320M चिपसेट वाला मदरबोर्ड लिया हुआ है। चलिए हम इसके बुलेट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड AM4 सॉकेट सपोर्टेड है A सीरीज Ryzen की, और साथ ही साथ ये AMD के जो इंटीग्रेटेड GPU है ना, जो हमें वेगा ग्राफिक्स में देखने मिल जाते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से यूज करता है। यहाँ पे फ्रेंड हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में यहाँ पे फ्रेंड हमें ये DDR4 3200 MHz तक की रैम को यूज कर सकता है ओवरक्लॉकिंग पे, जिससे फ्रेंड हमें रन टाइम पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगी। मदरबोर्ड की चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 320 का चिपसेट को यूज किया हुआ है इस मदरबोर्ड पे, और गेमिंग पे फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, और साथ ही साथ Ryzen के प्रोसेसर के साथ ये बहुत ही अच्छे से कंपेटेबल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें बेस्ट ऑडियो क्वालिटी देखने मिलती है, और यहाँ पे फ्रेंड हमें 6 USB पोर्ट देखने मिल जाते हैं 3.0 वाले। प्राइस की बात करें तो फ्रेंड ये हमें 4,050 रुपए में देखने मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड MD कंप्यूटर में फ्रेंड ये हमें देखने मिल जाता है 3,800 रुपए का देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड ये बजट पे बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है, जो कि आपकी बेसिक लेवल गेमिंग को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो अगला कंपोनेंट आता है वो आता है हमारी रैम। यहाँ पे फ्रेंड हमने रैम ऑल टाइम गोल्ड अपनी Corsair Vengeance LPX की 8 GB की DDR4 की 3000 MHz वाली रैम को यूज किया हुआ है।
यहाँ पे फ्रेंड मैं 8GB की एक रैम को यूज कर रहा हूँ। यदि फ्रेंड आप डुअल चैनल को भी रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड आप 4GB की वैनगेंशन LPX को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ही रैम की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके दोनों ही रैम को चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड हम सिंगल चैनल वैसे डुअल चैनल की। यहाँ पे फ्रेंड सिंगल चैनल पे यदि फ्रेंड आप इन फ्यूचर पे अपनी रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे यदि अभी आप 8GB को यूज कर रहे हो करंट पे, यदि फ्रेंड आप अपनी रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं इन फ्यूचर में 16GB या फिर 32GB, तो यहाँ पे फ्रेंड आप अभी सिंगल चैनल रैम को यूज कर सकते हैं 8GB की वैनगेंशन 3000 MHz वाली, बहुत ही अच्छी रैम है। और फ्रेंड आप सेम बजट पे ही अच्छी परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड आप 4GB की दो रैम को यूज कर सकते हैं। करंट पे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर में यदि आप अपनी रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड आपको दोनों ही रैम स्टिक को अलग करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा फ्रेंड कि 8GB की एक रैम को यूज करें। इन फ्यूचर में यदि फ्रेंड आपको और भी नीड होती है रैम की तो आप रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पे फ्रेंड हम गेम प्ले की, तो पबजी जैसे गेमों में फ्रेंड 8GB की रैम यदि हम इमुलेटर पे प्ले करते हैं तो 8GB की रैम सफिशियंट है। बेसिक लेवल गेमिंग पे ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम मेमोरी की, मतलब इंटरनल स्टोरेज की। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने SSD यूज की हुई है, WD ग्रीन 120GB की साटा SSD, जो कि फ्रेंड हमें मिल जाती है 2160 रुपए में Amazon पे। और फ्रेंड ये सारे आइटम Amazon चॉइस पे लिस्टेड है, मतलब मैं जो भी आपको आइटम बता रहा हूँ आज की डेट पे Amazon पे बेस्ट सेलिंग पे चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस और इसके स्टार रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड बेस्ट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे हमें यहाँ पे रिव्यू भी देखने मिल रहे हैं। तो यदि फ्रेंड आप SSD को रन करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप SSD को परचेस करें, क्योंकि यदि आप अपने PC पे एक SSD को बिल्ड करते हैं तो आपके PC पे एक बूस्ट आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे फ्रेंड यदि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर आप एक गेम को SSD में रन करते हैं तो आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने मिलती है। और स्टोरेज की बात करें तो अगला कॉम्पोनेंट हमारे लिए है कि यदि फ्रेंड आप साइड में स्टोरेज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो यहाँ पे फ्रेंड आप WD कैवियर ब्लू ले सकते हैं 1TB की, जो कि 3,445 रुपए में देखने मिल जाती है और ये भी Amazon चॉइस पे लिस्टेड है। यहाँ पे फ्रेंड आपको एक चीज मैं नोटिस कराना चाहूंगा कि जब भी आप एक इंटरनल हार्ड डिस्क को बाय करें तो वहां पे फ्रेंड आप उसका RPM जरूर चेक कर लें कि यहाँ पे फ्रेंड आपको 7200 RPM वाली मिल रही है या फिर 5400 RPM वाली मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पे रेट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आपको देखने मिल जाती है जिसको आप परचेस कर लेते हैं और फिर बाद में आपका PC बहुत ही स्लो चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7200 RPM वाली ही हार्ड डिस्क को परचेस करें। यहाँ पे फ्रेंड हमने हार्ड डिस्क में चॉइस की हुई है 1TB की कैवियर ब्लू 7200 RPM वाली, आप अपनी स्टोरेज के अनुसार इसको बाय कर सकते हैं। यदि आपको 500GB की चाहिए तो आप 500GB भी बाय कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई में यहाँ पे फ्रेंड हमें ऑल टाइम गोल्ड, हमने यहाँ पे कॉर्सेर की VS450 का यूज किया हुआ है। इस बिल्ड में फ्रेंड ज्यादा वोल्टेज की नीड नहीं होगी क्योंकि नहीं यहाँ पे हम एक्सटर्नल GPU यूज कर रहे हैं, ना ही एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड बेसिकली आप VS450 का यूज कर सकते हैं। और इन फ्यूचर में यदि आप एक GPU को भी परचेज करते हैं और GPU भी बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड 450 में आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कैबिनेट की। कैबिनेट पे तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से ही बाय करें, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड ऑनलाइन पे बहुत ही हैवी और बहुत ही एक्सपेंसिव कैबिनेट देखने मिलते हैं। लेकिन यदि आप फिर भी एक ऑनलाइन कैबिनेट को फाइंड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉर्सर का कार्बाइड सीरीज CC901150 का मिड टावर स्टील गेमिंग केस ले सकते हैं। कॉर्सर पे फ्रेंड ये स्पैक 1 फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे फ्रेंड दो वेरियंट में आता है, एक ब्लू और एक रेड, दोनों ही LED लाइट्स में यहाँ पे फ्रेंड मिल जाता है। साइड में फ्रेंड यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट पैनल देखने मिल जाती है जिसको फ्रेंड आप शोकेस टाइप का कर सकते हैं। सारे बिल्ड का यदि मैं टोटल करता हूं तो यहाँ पे फ्रेंड Amazon पे ये PC हमको पड़ जाएगा 30,425 रुपए का। यदि फ्रेंड आप बात करते हैं यहाँ पे MD कंप्यूटर पे फ्रेंड ये हमें टोटल देखने मिल जाता है 25,000 को समथिंग रुपए पे। और यदि फ्रेंड इसको सभी कंपोनेंट को आप ऑफलाइन मार्केट, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो नेहरू प्लेस, आप लोकल रहते हो तो लोकल मार्केट, आपको ये PC 22,000 से 25,000 के बीच में देखने मिल जाएगा। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम गेमिंग की, तो गेमिंग में फ्रेंड यहाँ पे आप PUBG इम्युलेटर को बहुत ही
आराम से मीडियम सेटिंग पे स्मूथ पे खेल सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पे हम GTA 5 की, तो GTA 5 पे भी यहाँ पे फ्रेंड आपको मीडियम सेटिंग पे 40-60 FPS बहुत ही आराम से देखने मिल जाएगा। तो यदि आप कीबोर्ड और माउस को बाय करना चाहते हैं कॉम्बो पे, तो आप ज़ेब्रोने का ट्रांसफर भी बाय कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बायजर आर्टके को, जहां पर फ्रेंड आपको मिल जाती है गेमिंग गैजेट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।